यह कहानी है मेरे गांव में हैजे से आए बदलाव के बारे में। हैजे के सूक्ष्म जीवाणु इतने सूक्ष्म कि दिखाई भी न दे नदी के माध्यम से फैल गए। अत्यंत छोटे फिर भी अत्यंत हानिकारक। अनजाने में ही औरतें पानी के माध्यम से हैजा घर ले आईं। मक्खियों ने अपने पैरों से हैजे का प्रसार किया। यह गंदे हाथों से भी फैला। हम पानी, भोजन एवं उंगलियों के जरिए हैजे के जीवाणु निगल गए। अब यह बहुत ही तीव्र गति से घटित हुआ। सुबह तक मेरे पिता एकदम अस्वस्थ थे। उन्हें दस्त लगे थे, मानो भीतर से बस गंदा पानी सा ही आ रहा था। मैं बहुत डर गया। मैं सहायता के लिए भागा। मैं पहले कभी भी इतना तेज नहीं चला। मेरे पिता पर नजर डालते ही नर्स जान गई कि हैजा हुआ है। उन्हें बचाने के लिए हमें बहुत तेज रफ्तार से कार्य करना पड़ा। उनकी मदद के लिए हमने एक विशेष घोल बनाया। सर्वप्रथम हमने पानी को सुरक्षित बनाया। हमने इसे कपड़े से छान लिया और फिर एक मिनट तक उबाला। तब हमने इस एक लीटर पानी में आधा चम्मच नमक एवं 6 चम्मच चीनी मिलाई। इसका स्वाद आंसुओं जैसा था, अधिक नमकीन नहीं। मुझे चिंता थी कि कहीं मेरे पिता मेरे आंखों के सामने ही न चल बसे, परंतु शीघ्र ही उन्होंने कुछ स्वस्थ अनुभव किया। नर्स ने मुझे बताया कि हर कोई जो हैजे के जीवाणु निगल जाता है वह बीमारी फैला सकता है। अब मुझे अपने गांव के लोगों को यह ज्ञान देने की आवश्यकता थी कि वे अपने आप को हैजे से सुरक्षित कैसे करें। मैंने एक लड़की को बताया कि पानी में क्लोरीन की कुछ बूंद मिलाकर आधे घंटे तक रखने से वह इसे सुरक्षित बना सकती है। एक आदमी गंदे हाथों से लगभग खाने ही लगा था। मैंने उसे समझाया कि शौचालय जाने के बाद उसे अपने हाथ सदैव सुरक्षित पानी से धोने चाहिए। केवल साफ हाथों से ही वह सुरक्षित भोजन खा सकता है। मैंने गांव वासियों को हमारे गांव में गंदगी फैलाते देखा। मैंने उन्हें समझाया कि नदी से लगभग 30 मीटर दूरी पर शौचालय खुदवाएं। हमारे गांव को स्वच्छ बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण था। एक माँ को मैंने असुरक्षित भोजन बनाते पाया। मैंने उसे बताया, पहले हमें अपने हाथ सुरक्षित पानी से धो लेने चाहिए, तभी हमें भोजन को धोना व छीलना चाहिए। भोजन को पकाकर व सदैव गर्म ही खाना चाहिए और इसे मक्खियों से बचाकर रखना चाहिए। ये बातें सारे गांव में फैलाने के उपरांत मैं अपने पिता को देखने दौड़ा। उन्हें पहले से अच्छा देखकर मैं बहुत खुश हुआ। हमारा गांव निरोगी बना। हम पानी को सुरक्षित बनाते हैं। अब हम हमेशा शौचालय का इस्तेमाल करते हैं और सुरक्षित पानी से हाथ धोते हैं। भोजन मक्खियों से सुरक्षित है, धोया, छीला एवं पकाया जाता है। और हम हमेशा भोजन पकाने व खाने से पहले हाथ धोते हैं। हमने अपने गांव को हैजे से सुरक्षित कर लिया है। इन बातों का प्रसार कीजिए, आपका गांव भी सुरक्षित हो सकता है।